जी इसे बात करें कच्चे तेल की, तो कच्चे तेल में आपको क्या लगता है? देख रहे हैं कि WTI इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त $80 पर और ब्रेंट क्रूड ऑयल $83 पर कारोबार करते नजर आ रहे हैं। देखिए क्रूड ऑयल में भी तेजी का ही रुझान है, जिस तरीके से एनर्जी की डिमांड जो है वो पिकअप होती हुई दिखाई दे रही है और कच्चा तेल ना केवल डोमेस्टिक में बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी तेजी के साथ कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसा कि हमने एक्सपेक्ट भी किया था कि अक्टूबर की जो एक्सपायरी है वो 6100 के ऊपर हो सकती है। आप देखिए आज 6100 के ऊपर अक्टूबर वायदा निकल चुका है और 6120-6140 मैक्सिमम हमें लग रहा है कि एक बार वहां तक जा सकता है। अगर इंटरनेशनल मार्केट्स में $80 के ऊपर सस्टेनेबिलिटी बनी रहती है और ऊपर में और तेजी पकड़ते तो हो सकता है आपको 6180 से लेकर 6200 का भी स्तर डोमेस्टिक मार्केट में देखने को मिल जाए एक्सपायरी के आसपास। अभी फिलहाल जो है जो ट्रेंड बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो फिलहाल तेजी का बनता हुआ दिखाई दे रहा है और जिस तरीके से डिमांड का इम्पैक्ट आ रहा है वो मेन जो है असर है जिसकी वजह से कीमतों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और बढ़ती कीमत से महंगाई बढ़ने का भी अभी फिलहाल खतरा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ज्यादा महंगाई का बुरा असर देखा जाए तो सबसे ज्यादा विकास दर पर होगा और वहीं भारत, चीन और यूरोप में भी महंगाई जो है वो बढ़ने के आसार पर है। तो कहीं ना कहीं सभी जगह पर अगर हम देखें, इंटरनेशनल सिनेरियो भी देखें और डोमेस्टिक भी देखें, तो फिलहाल बाजारों के अंदर तेजी का ही रुझान बनता हुआ दिखाई दे रहा है और आगे ये है कि अगर नेचुरल गैस की कीमत बढ़ती है तो हो सकता है कि आपको कच्चे तेल की डिमांड के ऊपर थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दे तो बाजार फिसल जाए, लेकिन फिलहाल ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अभी तो कच्चे तेल की ही डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और एमसीएक्स पर जिस तरीके से क्रूड ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, इंटरनेशनल मार्केट्स में WTI ट्रेड कर रहा है, तो ये सारे सिनेरियो और फंडामेंटल और टेक्निकली अगर देखा जाए तो बाजार फिलहाल तेजी की तरफ दिखाई दे रहे हैं और क्रूड ऑयल नवंबर जो WTI है वो ऊपर में $85 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है और उसके ऊपर सस्टेन करता है तो आप मान के चलिए $85 निकल सकता है। और ब्रेंट की बात करें तो ब्रेंट जो है नीचे में $85 के बाद $88 तक की तेजी पकड़ सकता है। तो फिलहाल ट्रेंड पॉजिटिव है, एक करेक्शन जरूर बन सकती है, उसको मद्देनजर ध्यान में रखते हुए हर निचले स्तर पर बाइंग करके चला जा सकता है। जी